जेडीयू और बीजेपी के बीच जो तकरार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इस तकरार की शुरुआत हुई थी एक पोस्ट से, जब संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का विरोध किया था। सर्वदलीय बैठक के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला लिया था कि बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाया जाए, जिसके बाद से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सवाल उठाए थे और पूछा था, मुख्यमंत्री जी बताइए क्या रात में कोरोना घूमता है कि आपने फैसला लिया है नाइट कर्फ्यू का। जिसके बाद से पूरे बिहार में जो सियासत है वो तेज़ हो गई, जेडीयू की तरफ से भी जवाब आने लगे, तो वही विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो भी सवाल उठाने लगी। विपक्ष की पार्टी का कहना है कि ये वक्त क्या लड़ाई झगड़े करने का है। तो कल उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया था संजय जायसवाल को। कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसलिए ही पार्टी में शामिल करवाया था कि अगर बीजेपी उन पर दबाव बनाए या कोई बयानबाजी करे तो उपेंद्र कुशवाहा ढाल बन करके सामने आकर बीजेपी को सबक सिखाए। ठीक वैसा ही दिख रहा है। संजय जायसवाल को उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दे दिया कि ये वक्त राजनीतिक बयानबाजी का नहीं, काम करने का है। जिसके बाद से और सियासत जो है वो तेज़ हो गई और आज सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को ही आड़े हाथ ले लिया। और आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने लिखा है कि उपेंद्र जी नए मुसलमान हैं, बहुत प्याज खा रहे हैं। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर कहा, उपेंद्र जी नए मुसलमान हैं इसलिए बहुत ज़्यादा प्याज खा रहे हैं। भाजपा जदयू सहयोगी दल है और उसके प्रदेश अध्यक्ष ने जनहित में कोई बात की तो उसके खिलाफ सहयोगी दल के नेताओं को प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष नाइट कर्फ्यू के आगे की बात कही थी। ऐसे में जदयू नए नए नेता बने उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान पर खुलेआम प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए था। वे अपनी बात पार्टी के फोरम पर रख सकते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों से संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं, पर लोग संयम नहीं बरतेंगे तो आंशिक लॉकडाउन की नौबत आ सकती है। तो सीधे तौर पर बीजेपी कोटे से मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है कि नए मुसलमान हुए हैं, यानी कि नई नई पार्टी में सदस्यता ली है और हमारे अध्यक्ष पर सवाल दागते हैं। और अब इस बीच तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठा दिया है और कहा है, इलाज के अभाव में बिहार में लाशों की पतझड़ है, लेकिन नीतीश बीजेपी की नूरा कुश्ती चरम पर है। एमएलसी पद के बदले प्राप्त नए प्यादे से सीएम बीजेपी अध्यक्ष को जवाब दिलवाते हैं, फिर बीजेपी उसकी जाति के मंत्री से ही उस प्यादे को जवाब दिलवाती है। जनता और बिहार जाए भाड़ में, जनता मेरे जिए इन्हें क्या मतलब, बस इनकी कुर्सी सलामत रहनी चाहिए, शर्मनाक है। तो तेजस्वी यादव ने जो कुछ चल रहा है जेडीयू और बीजेपी के बीच, जो बयानबाजी चल रही है, शुरुआत होती है संजय जायसवाल से, उसके बाद से उनको जवाब देते हैं उपेंद्र कुशवाहा, फिर सम्राट चौधरी आ जाते हैं सामने, उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दे रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को अभी बचाने की ज़रूरत है, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीतिक बयानबाजी करवा रहे हैं। इस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने कहा है, निर्लज हो गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब आगे क्या कुछ दिखेगा आने वाले समय में, इन चीज़ों को लेकर क्या कुछ नया निकल करके आएगा, उन तमाम खबरों से हम आपको जोड़े रहेंगे। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।